मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं पार्लियामेंट बीच के पास जा रहा हूँ, मुझे लेना है एक बॉडी वॉश, क्योंकि साबुन बहुत लंबा तक चलेगा नहीं और उसको संभाल के रखना पड़ता है, तो इसीलिए बॉडी वॉश सबसे बेस्ट चीज़ है अगर ट्रैवल कर रहे हो। तो मुझे आई होप मिल जाए, तो मैं वही ढूंढने के लिए अभी निकला हूँ। सुबह के 9 बजे मिल जाए तो अच्छा है, अभी तक मार्केट खुला नहीं है। फाइनली बॉडी वॉश ले लिया है और अभी थोड़ा बीच पे घूमने जा रहा हूँ। सूरज चाचू अपनी गर्मी का चटके बहुत दे रहे हैं भाई, चलो फटाफट रूम पे। बच गए, अभी गिर जा रहा। चलो भाई, आज का दिन बहुत ही लंबा जाने वाला है और बहुत लंबी राइड है। सुबह का 11 बजे है, अभी सिर्फ शाम को डायरेक्ट आऊँगा। बाइक में पेट्रोल भी भरवा लिया, नाश्ता भी ले लिया, डिक्की में रख दिया है और अभी सीधा जाएगा वहाँ पर। एक घंटे की ड्राइव के बाद मैं आ चुका हूँ रिवोना केव्स, जो कि वहाँ पे है। बट पहले यहाँ पे एक मंदिर है, तो पहले मंदिर में पूजा करते हैं थोड़ी, क्योंकि कितने टाइम से भगवान से मिला नहीं हूँ, तो पहले उनका दर्शन कर लेते हैं। तो ये हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पे कोई नहीं है अभी, और ये कुत्ता मुझे ऐसे देख रहा है कि भाई अभी मुझे खा जाएगा। पीछे पीछे आ रहा है भाई, मुझे डर लग रहा है थोड़ा, मुझे देख रहा है, चौकीदारी कर रहा है भाई। यहाँ पे कुछ कार्स है बट कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये बहुत ही अंदर है और रिवोना केव्स वहाँ पे, कुत्ता रुक गया वहाँ पे। चलो अभी अपना काम करते हैं। और ये गांव के अंदर है, बहुत अंदर है, यहाँ से आप लोकेशन देखो, पूरे रास्ते पे बड़े बड़े लंबे लंबे झाड़ थे। और ये रही केव्स। वहाँ पे आगे एक चाचा कुछ कर रहे हैं, शायद अपने कपड़े धो रहे हैं, तो उनके पास जाते हैं। जाऊँ या ना जाऊँ, थोड़ा सा डर लग रहा है, नहीं जाता हूँ, छोड़ो, उनको डिस्टर्ब करूँगा। भाई डे आप केव्स देखो। ये चीज़ बहुत गलत है, कहीं पे भी जाओ ये प्लास्टिक कहीं पे भी मत फेंको। यहाँ पे हो रहा है, दूसरी बोतल वहाँ पे भी है, मत करो भाई। चलो तो यहाँ पे थोड़ी देर में बैठता हूँ और नाश्ता करता हूँ। मैं लेके आया हूँ गाड़ी में, केला दे रहा हूँ उसको, वहाँ पे नीचे मैंने रख दिया। ऐसे घूर रहा है भाई। चलो मैं यहाँ से निकलता हूँ, थोड़ा दूर जाता हूँ, फिर देखते हैं क्या करता है वो, यहीं पे बैठ के खाऊंगा। जस्टिस नहीं कर पाएगा, बट यहाँ से नीचे उतर के और वहाँ से बाहर निकलना है। सही है, यहाँ पे कोई घूमने आता है? हाँ, बहुत लोग आते हैं। ओ, शनिवार रविवार कोई आता है ना? हाँ। अच्छा, समझी, वीकडेज है ना, इसीलिए कोई नहीं है। ओह हो, तो ये उसका एग्जिट गेट है, ये रहा। वो एंट्री था और ये एग्जिट है। अच्छा, ओह वहाँ पे भी अंदर है, वहाँ से भी अंदर जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ताड़ा लगा है इसीलिए नहीं जा सकता, वरना जाता अंदर। चलो कोई बात नहीं। चलो
तो अभी मैं आ चुका हूँ नेट्रा वाली बुटबुट लेक के पास और ये रहा यहाँ पे एंट्री है, बट यहाँ पे पूरा खुदाई की हुई है तो क्रॉस करके जाना पड़ेगा। चलो थोड़े दिन में काम खत्म हो जाएगा और ये बहुत बड़ी जगह है, सोचा नहीं था। गोवा टूरिज्म इसको प्रमोट कर रही है, जितनी भी प्लेस मैंने दिखाई वो सब गोवा टूरिज्म ने प्रमोट की है, एक वही छोड़ के गोवा चित्रा। तो इसे बुटबुट लेक क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें बुलबुलें निकलते हैं। यस आई कैन सी, यहाँ पे भी शांति इतनी है, चाहो तो बैठ सकते हो आराम से एक घंटा डेढ़ घंटा। तो अभी दोपहर के 1 बजे है और मैं अभी शांति से ही मंदिर में बैठूँगा 15-20 मिनट, फिर निकलूँगा दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। एक्चुअली यहाँ पे नेटवर्क नहीं है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, एंड ये शर्ट आप देख रहे हो दो ब्लॉग से, इसके अंदर मैंने टी शर्ट पहना हुआ है, समझे, ये देखो टी शर्ट। बाय बाय लेक, अभी चलते हैं दूसरी जगह, थोड़ा सा आराम कर लिया यहाँ पे, गर्मी के कारण बहुत थकान होती है और खाने में भी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या खाए, मुझे डोमिनोज की तलब लग रही है, रास्ते में भी नहीं आ रहा है डोमिनोज, उसके लिए मारगांव तक जाना पड़ता है यार। पिछले 2-2.5 घंटे से ड्राइविंग कर रहा हूँ, रास्ते में एक शॉप दिखी है यहाँ पे, गूगल है तो पठारी फिर भी नहीं आज, तो गूगल ने बहुत लंबा खींचा है, आराम से मैं 20 या 30 किलोमीटर लंबा चला हूँ। अभी मैं आ चुका हूँ 3 घंटे की ड्राइव के बाद गलगीबाग बीच में, एक्चुअली 2 बार मैंने ब्रेक भी लिया था और 15-15 मिनट का, और यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलिव रिडली टर्टल देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए, और यहाँ पे टूरिस्ट है ही नहीं ऐसा समझो, मैंने देख सकता हूँ आराम से 10 लोग होंगे, मेरे पीछे लोग बैठे हैं 1-2 और वहाँ पे कुछ लोग हैं, बस इतने ही लोग हैं। और ये अनएक्सप्लोर्ड जगह है, यहाँ पे टर्टल शायद शाम को आते हैं, पूछता हूँ किसी को, पीछे एक भैया को मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि फुल मून पे डेफिनेटली दिखाई देते हैं, तो आज शायद नहीं आएंगे और उसका टाइम भी नहीं है कि कब आएंगे, कोई बात नहीं अपन बीच एंजॉय करेंगे, सुमसान बीच दाब है मैं और कुछ लोग हैं बस। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने ओरिजिनल कपड़ों में, था ही नहीं और गूगल ने ऑलरेडी एक डेस्टिनेशन सेट कर दिया था जो कि मुझे 22 किलोमीटर लंबा जाना पड़ा और वो वहाँ पे था ही नहीं और नेटवर्क भी वहीं पे नहीं थे, मैं पहाड़ों से जा रहा था, जंगल में से जा रहा था, गांव में से जा रहा था। नहीं था एंड गूगल ने डेस्टिनेशन भी गलत डाली थी, तो मैंने गांव वालों से भी पूछा बट गांव वालों को भी उतना आइडिया नहीं थी, तो कोटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गांव वालों को आइडिया थी एक्चुअली में, बट वो लोग जो बताना चाह रहे थे वो मैं समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो गई और मैं वहीं पर गया ही नहीं फिर, तो कुछ छोड़ो अभी, तो सीधा फिर आ गया गलगीबाग बीच पर आ गया,
कंटिन्यूस मैंने ड्राइव किया है कंटिन्यूस, तो इसके लिए लाइक बनता है, सब्सक्राइब करो। मेरे पीछे जो गोल्फ कोर्स है ललित का, बहुत बड़ा गोल्फ कोर्स है, पूरा वहां से लेके पूरा ये लंबे अखा पूरा इसका है। और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी, अगर यहाँ पे नहीं जा सकते, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वैसे जा सकते हैं जाना हो तो, बट नहीं जाओ तो अच्छा है। इस बीच का नाम है राजबाग बीच, सच में राजा बाग, राजबाग ही होगा, ललित पीछे है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, राजाशाही लोग ही रहेंगे। और ये ललित के लोग ही है, बीच वॉलीबॉल के लिए लगाए हुए थी नेट। डिनर होने जा रहा है सुरती भाइयों के साथ। ये उनकी शॉप है और ये उन्होंने बनाई है रबड़ी। मैंने बोला आपको जो ठीक लगे वो बनाओ, तो उन्होंने बना के दिया रबड़ी। टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। और यहाँ पे वो बन आता है, वो अपना लंबा वाला पाव नहीं आता, भाजी पाव वाला पाव नहीं आता, बन आता है। तो वो अभी रेडी कर रहे हैं और टेस्ट करके देखते हैं। एक बंदा यहाँ से गया, उन्होंने बोला कि भाई बहुत अच्छा बनाया था। अभी ये वैसे भी सूरत के ही मसाले हैं यहाँ पे, सो विजिट ज़रूर करो, पालोलेम बीच के बहुत नज़दीक है। भाई डिनर हो गया कंप्लीट और ये भाई साहब ने बहुत ही अच्छा वाला डिनर खिलाया। वो रहे शेफ अपने, अरे भाई ये गाड़ी वाला है अपना, मेरा भाई। ये शेफ काला है, काला दिख रहा है, पूरा काला दिख रहा है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। नहीं, रोड पे चलो भाई, यहाँ ये यूट्यूब पे हो जाएगा ना? तो इनका नाम है प्रवीण भाई, ये शेफ है और ये उनके पार्टनर सुनील भाई। हेलो। और ये अपना गाड़ी वाला गणेश, अच्छा खाना बनाते हैं, प्रॉपर सूटी टेस्ट। सो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ और 15 मिनट में मैं अपने हॉस्टल पे जाऊँगा, वीडियो एडिट करना है। आज 3 वीडियो एडिट करने हैं मुझे, मतलब पूरा दिन, कल का पूरा दिन लगने वाला है। और कल का पूरा दिन पालोलेम की शॉपिंग को एक्सप्लोर करूँगा और वीडियो एडिट करने वाला हूँ। आज रात को, कल सुबह और कल रात को भी वीडियो एडिट करने वाला हूँ। तो इन लोगों के साथ ही मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ। सूरत के लोग हैं, ये एक ही है जो गोवा का है प्रॉपर। और एज ऑलवेज डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू, बराबर बोला। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर करना। And as always, bye-bye, take care, see you soon. Like करो, share करो। हाँ नहीं, अभी ना बोलो।